Assalamu alaikum, dear students. Hoping you are fine. Today's lecture is about two topics. They are saving function and the investment function. First, saving function. What is saving? In fact, saving is the difference between income and consumption. आमदनी और खर्च का फर्क सेविंग कहलाता है। अपनी आमदनी में से एक फर्द जितना हिस्सा कंज्यूम कर देता है वो उसकी कंजप्शन कहलाता है और जो हिस्सा बाकी बच जाता है वो सेविंग कहलाता है। गोया अपनी आमदनी में से अपनी कंजप्शन को अगर हम माइनस कर दें तो वो हिस्सा जो कि खर्च होने से रह जाता है, आमदनी का वो हिस्सा सेविंग कहलाता है। सो द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेविंग। सेविंग Saving is also the function of income. Just like the consumption, saving is also the function of income. Saving is a dependent variable and income is an independent variable. There is a positive relationship between the both variables. If income tends to increase, automatically the saving of the power of a nation to save increases. In the same way, if income tends to decrease, the power of saving for a nation tends to decrease. अगर किसी फर्द की या नेशन की आमदनी बढ़ जाती है तो ना सिर्फ उसका कंजप्शन लेवल बढ़ेगा बल्कि इसके साथ साथ उसकी सेव करने की भी पावर बढ़ जाएगी। कम होती हुई इनकम उसकी कंजप्शन को भी कम कर देगी और सेविंग को भी कम कर देगी। इट इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेविंग। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इट इज अ फंक्शनल फॉर्म एंड इट इज अ standard equation of saving. There are two variables in the equation, saving and income. And saving equation has two components. The first one is minus s naught and the other component is plus s y. Here is s small s. Minus s naught represents the autonomous saving, while the other part s y it represents the induced saving. So investment saving has a two components. The first one, the autonomous saving. What is the autonomous saving? Autonomous saving is that saving which is not affected by income. Goya aamdani ka koi bhi mayar ho, ye saving aamdani se mutasir nahi hoti. Balki autonomous saving ko determine karne wale factors kuch aur hote hain. Chunanche agar हमारी इनकम जीरो हो जाए तो हमारी सेविंग किसके बराबर होगी? ये माइनस एस नॉट के बराबर होगी। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ, ये हमारी सेविंग की इक्वेशन है। अगर हमारी सेविंग जो है वो जीरो हो जाए, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि इफ इनकम इज इक्वल टू जीरो, अगर इनकम हमारी जीरो हो जाती है तो क्या हमारी सेविंग भी जीरो हो जाएगी? नो, हमारी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। व्हाट वी मीन बाय द सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव? नेगेटिव का क्या मतलब है? आप यहां देखिए कि अगर एक नेशन या एक फर्द की इनकम जो है वो जीरो हो जाए तो जाहिर है कि ये सारे का सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो सेविंग किसके बराबर है? सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस नॉट। गोया हमारी सेविंग जो है वो एक पॉजिटिव फिगर नहीं बल्कि एक नेगेटिव है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि जब एक फर्द की इनकम जीरो हो जाती है तो जाहिर है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसकी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। इनकम के जीरो हो जाने के बावजूद वो तब भी कंज्यूम करता है। आखिर कंजप्शन के लिए वो अपना फाइनेंस कहाँ से लाता है? जी स्टूडेंट्स, ये है वो जगह जहाँ से वो अपना फाइनेंस जो है वो हासिल करता है। गोया कि जब इनकम जीरो हो जाती है तो तब भी वो खर्च करता है और वो अपनी सेविंग करने के बजाय वो डिस सेविंग कर रहा होता है। जी स्टूडेंट, डिस सेविंग का क्या मतलब है? डिस सेविंग का मतलब है कि या तो वो अपनी पुरानी बचतें इस्तेमाल कर रहा है, गोया बचत करने की बजाय बचतों को इस्तेमाल कर रहा है, सेविंग की बजाय डिस सेविंग कर रहा है, अपनी पुरानी सेविंग्स इस्तेमाल कर रहा है। या इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो कहीं से लोन ले रहा है जो कि जाहिर है उसको बाद में रिटर्न करना है। ये दोनों फॉर्म जो है वो डिस सेविंग की हैं। बहरहाल जब एक फर्द की इनकम या नेशन की इनकम जीरो हो जाती है तो उसकी जो है वो सेविंग जो है वो जीरो नहीं होती, क्योंकि इनकम के जीरो हो जाने के बावजूद भी उसको खर्च करना है। चुनाचे वो अपनी पुरानी बचतों को इस्तेमाल करता है, इसलिए जो सेविंग है वो नेगेटिव हो जाती है। यह है बच्चों ऑटोनोमस
सेविंग जो कि ज़्यादा आमदनी से मुतासर नहीं होती, आमदनी जीरो भी हो तब भी सेविंग का कोई ना कोई मैार होता है, हर नेगेटिव ही क्यों ना हो। जबकि इंड्यूस्ड सेविंग, इसका सेकेंड पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग का, ये है इंड्यूस्ड सेविंग। इंड्यूस्ड सेविंग ऐसी सेविंग है जो कि इनकम से मुतासर होती है। इंड्यूस्ड सेविंग इज डेट पार्ट ऑफ द सेविंग फंक्शन विच इज अफेक्टेड विच डिपेंड्स ऑन द इनकम। सो एस हियर स्मॉल एस शोज हाउ मच विल दी सेविंग बी चेंज ड्यू टू अ चेंज इन इनकम। आमदनी के बदल जाने से जो है वो सेविंग जो है वो कितनी बदलेगी, ये हमारा सेविंग फंक्शन ये शो कर रहा है। ये स्मॉल एस जो है ये एम पी एस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव को जाहिर करता है, और ये बताता है कि आमदनी के बदल जाने से सेविंग कितनी बदलेगी। इसका इन्हिसार जो है वो इस स्मॉल एस पर है, यानी कि एम पी एस पर है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जस्ट लाइक द कंजम्पशन फंक्शन। जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन में हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एंड एमपीसी। इन द सेम वे इन द सेविंग फंक्शन टू कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस एंड द अदर वन इज द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। एपीएस, व्हाट इज द एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द इज रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, यानी हम अपनी इनकम में से कितना पार्ट सेव कर देते हैं। इट इज नोन एज द एपीएस। अब हम देखते हैं कि एपीएस इज इक्वल, एपीएस का फार्मूला क्या है, एस ओवर वाई, यानी एक नेशन जो है वो अपनी इनकम में से कितना हिस्सा जो है वो सेव कर देती है। सेविंग की इक्वेशन हम जानते ही हैं, सेविंग की इक्वेशन है माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डिवाइडेड बाय वाई। ये हमने सेविंग की जगह सेविंग की इक्वेशन रख दी, और ये जो है ये फार्मूला है एपीएस का। जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो सेविंग की, सेविंग इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0.45। जी स्टूडेंट्स, यहाँ अगर एक बात आप नोट करें कि ये जो यहाँ सेविंग फंक्शन लिखा गया है, ये किस कदर जो है वो कोरिलेटेड है उस कंजम्पशन फंक्शन से जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा। क्योंकि पिछले लेक्चर में कंजम्पशन की इक्वेशन थी सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65। अब आप ये देखें कि उसका भी कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी थी, वो प्लस 40 थी, ये माइनस 40 है। इसलिए बच्चों की अगर इनकम वहां जीरो हो जाती थी तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी, 40। ये 40 रुपीज वो कहाँ से ला रहा था? जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ला रहा था, वो डिस सेविंग कर रहा था, वो 40 रुपीज वो यहाँ से निकाल कर खर्च कर रहा था। जी स्टूडेंट्स, वहां जो है वो वाई के साथ जो पैरामीटर था, जो कफिशियंट था, वो था 0.6, जिसका मतलब था कि वो अपनी कंजम्पशन का 60% हिस्सा कंज्यूम कर देता है। तो यहाँ सेविंग फंक्शन में जो वाई का कफिशियंट है ये है 0.4, जिसका मतलब है कि वो अपनी इनकम का जो 40% हिस्सा है वो सेव कर रहा है। गोया 60% अगर वहाँ सेविंग है 0.6, तो यहाँ 40% जो है वो उसकी सेविंग है, क्योंकि वहाँ वो 60% कंज्यूम कर रहा था। चाहे 60% कंजम्पशन और 40% जो है उसकी सेविंग, दोनों मिलकर हो गई उसकी 100% इनकम वो कंज्यूम कर लेता है। गोया के इनकम का कंजम्पशन इक्वेशन में इनकम का जो कफिशियंट था 0.6 और सेविंग के इक्वेशन में इनकम का जो कफिशियंट है 0.4, जो कि एमपीएस कहलाते हैं, दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारा रिजल्ट होगा 1, गोया 100% इनकम। इससे ये भी नतीजा निकला कि इस ये एमपीएस और वहाँ एमपीसी दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, ये एपीएस का हम फार्मूला है, तो हम इसकी मदद से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक सेविंग की इक्वेशन है इन न्यूमेरिकल फॉर्म, एपीएस इज इक्वल टू एस ओवर वाई। चाहिए सेविंग कितनी है, हम इसके लिए हमारे पास इनकम जो है वो गिवन होनी चाहिए। सो इफ इनकम इज इक्वल टू 300, आप यहाँ सेविंग की इक्वेशन में इनकम की वैल्यू पुट करेंगे और सेविंग के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे इनकम इज इक्वल टू 300, यहाँ आप 300 रखेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 300, ये हो गया 140। 140 में से आप सॉरी 120, 120 में से आप 40 को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 80। सेविंग इज इक्वल टू 80। अब आपके पास सेविंग की वैल्यू आ गई, इनकम आपके पास पहले ही गिवन है। सेविंग इज इक्वल टू 80 एंड वाई इज इक्वल टू 300
80 को आपने 300 पर डिवाइड किया तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी 0.27। गोया एपीएस कितना है 0.27, जिसका मतलब है कि एक फर्स्ट जनरेशन अपनी इनकम का 27% हिस्सा जो है वो सेव कर रहे हैं। जिस द्वारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। जिसका मतलब है कि अगर एक फर्ज या नेशन की इनकम चेंज हो जाए तो उसकी वजह से वो अपनी उसमें से कितना हिस्सा जो है वो सेव कर देते हैं, यानी इनकम के चेंज हो जाने से सेविंग में कितनी चेंज आती है। अच्छा, एमपीएस का फार्मूला आप देख ही रहे हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा मीन्स चेंज, इनकम में चेंज की वजह से सेविंग में कितनी चेंज आ रही है। एमपीएस इज आल्सो द स्लोप एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेविंग फंक्शन। हम जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। बहरहाल एमपीएस जो है उससे मुराद ये है कि सेविंग फंक्शन अगर हम बनाएंगे, उसका कर्व बनाएंगे, तो उसकी स्लोप एमपीएस के बराबर होती है। इसी तरह अगर हम मैथमेटिकली सेविंग फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो भी एमपीएस के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ हमने नीचे देखा है कि अगर हम सेविंग फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एमपीएस, तो ये किसके बराबर है, ये सेविंग फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है। ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में सेविंग फंक्शन, एस इज इक्वल टू -40 + 0.45। अब हम इसकी मदद से जो है वो एमपीएस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनकम में कितनी तब्दीली आई और जवाबन सेविंग में कितनी तब्दीली आई है। इनकम की पहली वाली वैल्यू तो हम पहला केस तो वही रखेंगे जो भी हमने पीछे एपीएस की कैलकुलेशन के सिलसिले में देखा। इनकम लेवल इज इक्वल टू 300 एंड सेविंग लेवल इज इक्वल टू 80। अब इनकम अगर 100 यूनिट्स बढ़ जाए, यानी 300 से बढ़कर ये 400 हो जाए, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। अब हम इस 400 को जो है वो यहाँ वाई के में पुट करेंगे। यहाँ अगर हम वाई की जगह अब हम 400 रख देते हैं, 400 × 0.4, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 160। 160 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी 120। जी स्टूडेंट्स 120। अब हम चेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एस सेविंग में कितनी चेंज आई है, 80 से बढ़कर 120 हो गई है, 40 की तब्दीली आई है, जबकि इनकम में कितनी तब्दीली आई है, ये 300 से बढ़कर 400 हो गई है, गोया 100 की तब्दीली आई है। अब डेल्टा एस को डेल्टा वाई पर कैलकुलेट करके आप एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप डेल्टा एस को डेल्टा वाई पर कैलकुलेट करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए एमपीएस, डेल्टा एस है 40, डेल्टा वाई है 100, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 0.4। गोया एमपीएस हमारा क्या है, 0.4 है, 40% है। इसका मतलब यह है कि एक फर्द अपनी चेंज इनकम का, जितनी भी इनकम में तब्दीली आती है, उसका तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो सेव कर देता है। जिस सुनिए हम एक शेड्यूल की मदद से जो है वो आपको सेविंग फंक्शन जो है वो यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने इनकम और कंजम्पशन के कॉलम सेम वही लिए हैं जो कि पीछे आपके कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ाते हुए मैंने यही फंक्शन जो है वो सेट किए थे। जी स्टूडेंट्स, पहला कॉलम है हमारा इनकम का। इनकम है जैसे 2000, 3000, 4000 से ये मुसलसल बढ़ती हुई 7000 तक है। कंजम्पशन फंक्शन, यह कंजम्पशन फंक्शन रखने का मकसद ही ये है क्योंकि हम जानते हैं कि सेविंग क्या है। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। चाहिए फर्स्ट कंजम्पशन, इनकम लेवल है हमारा 2000, जबकि कंजम्पशन लेवल है 2400। जी देखिए, अगर हम इनकम में से 2000 में से 2400 निकाल देंगे तो जाहिर है सेविंग हमारी क्या है, डिस सेविंग की तरफ है, यानी कि -400 है। इनकम लेवल 2000 इतना कम है कि उसके सारे एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं हो रहे, नतीजतन जो है उसको 400 का जो है वो अपनी पुरानी बचने इस्तेमाल करनी पड़ी है या कि कर्जा लेना पड़ा है। उसका इनकम लेवल जैसे बढ़ जाता है उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, और अभी आप देखें कि उसको 300 रुपीज, क्योंकि उसकी कंजम्पशन उसकी इनकम से ज्यादा है, उसको 300 रुपीज जो है वो डिस सेविंग करनी पड़ रही है। फिर जैसे जब 4000 उसकी इनकम हो जाती है तो ये वो यूनिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम है कि उसकी कंजम्पशन उसकी इनकम के बराबर है, क्योंकि वाई सी के बराबर है, इसके ज्यादा सेविंग क्या है, जीरो है। जितनी आमदनी उतना ही खर्च है, कंजम्पशन सेविंग क्या है, जीरो है। फिर जैसे जैसे 4000 के बाद उसकी आमदनी बढ़ती चली जाती है, उसका खर्च निस्बतन कम बढ़ता है
और आप वो देख रहे हो वो सेविंग की पोजीशन में आ गया है। जैसे कि इनकम जब 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती तो है लेकिन बहुत नहीं बढ़ती, जैसे 4000 से बढ़कर 4500 हो जाती है। 5000 में से 4500 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 500। गोया 500 उसकी क्या है, सेविंग है। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस किया, 500 इज सेविंग। फिर 6000 में से 6000 उसकी इनकम है, कंजम्पशन कितनी है 4800, इसको इसमें से माइनस करें तो 1200 जो है वो सेविंग है। अब फ्रेंड्स हम इसकी मदद से एपीएस और एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। एपीएस का फार्मूला हमें पता ही है, सेविंग ओवर वाई, यानी सेविंग के कॉलम को हम इनकम के कॉलम पर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है -400 डिवाइडेड बाय 2000, बच्चों रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा -1.4। फिर इसी तरह जो है हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते चले जाएंगे, जैसे 500 पर जो है ये हो जाएगा 5000, तो ये क्या आ जाएगा 0.1। इसी तरह इसके अलावा फिर हम जब 1200 को 6000 पर डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी इसमें मिसकैलकुलेशन है, ये यहाँ 0.2 आ जाएगा। ये अभी आपको जो मैं नोट्स भेजती हूँ उसमें ये मैं वैल्यूज जो है इनको करेक्ट कर देती हूँ। फिर इसी तरह जो है ये 2100 को जब हम डिवाइड करेंगे 7000 पे, ये तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.3, यानी ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है और फिर ये 0.3 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ भी ये जो 0 -400 है इसको हम 2000 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 0.2 -0.2 और ये आ जाएगा -0.1। तो ये जो कैलकुलेशन है ये अभी मैं इसमें करेक्ट कर दूंगी, ये मेरा ख्याल सेव नहीं हो सकी। तो यहाँ वैल्यू है 0.2, 0.1, 0, 0.1, 0.2 और ये है 0.3। इसी तरह एमपीएस, एमपीएस स्टूडेंट्स हम जानते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ सेविंग टू रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले जाहिर है कि हम पहली सबसे पहली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ हमें इससे पहले जो है वो वैल्यूज मौजूद नहीं है कि 2000 से पहले जो है वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या था। चाहिए इसके लिए हम चूंकि पहली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम अगले सेट में हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो है 3000 यूनिट्स। 3000 में से हम जो है वो पहले वाली वैल्यू पिछली वैल्यू निकालेंगे 2000, तो बच्चों डिफरेंस कितना है 1000 का, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1000। और कंजम्पशन में चेंज कितनी आई है, सॉरी सेविंग में, सेविंग इज इक्वल टू -400, अब बढ़कर कितनी हो गई है -300। जब हम -300 में से -400 कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों रिजल्ट कितना आएगा +100। ये आप करके भी देखिएगा, -300 में से हमने -400 के माइनस कर दिए तो रिजल्ट है हमारे पास 100। अब 100 को जब आपने 1000 पर डिवाइड किया तो आपके पास एमपीएस है 0.1। इसी तरह जब आपके पास जो है वो इनकम लेवल बढ़कर 3000 से 4000 हो गया तो आपके सेविंग लेवल क्या हो गया, -300 से बढ़कर 0 हो गया। अब आप 0 में से -300 जो है वो माइनस करेंगे तो बच्चों जैसे माइनस माइनस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 300। जी 300 को हमने जो कि सेविंग में तब्दीली है उसको हमने इनकम में तब्दीली यानी 1000 पर डिवाइड किया, रिजल्ट है हमारा 0.3। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो है वो तब्दीली है इनकम में फिर 1000 की, 4000 से बढ़कर 5000 हो गए, जबकि सेविंग जो है वो 0 से बढ़कर 500 हो गई। 500 में से फिर हम 0 माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा 500। 500 में से जो है 1000 जो है वो हम माइनस करेंगे तो सॉरी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.5। इस तरह आप देखें कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है हमारा सेविंग लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन सेविंग उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कि हमारी इनकम बढ़ रही है। नतीजतन हमारा एमपीसी जो है एमपीएस जो है वो बढ़ने का रुझान रखता है। अगरचे सेविंग में इजाफा कम है लेकिन और इन्वेस्टमेंट इनकम में होने वाला इजाफा जो है निस्बतन ज्यादा है, इसीलिए एमपीसी जो है वो लेस देन 1 है। लेकिन एक बात जो काबिले गौर है वो ये कि पिछले कंजम्पशन फंक्शन में हमने देखा था कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है तो उसका जो एमपीसी है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो मुसलसल कम हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इनकम के बढ़ने के साथ साथ एमपीएस जो है वो मुसलसल इंक्रीज कर रहा है। एमपीएस की मुसलसल इंक्रीज कर देने से
की वजह यह है कि हमारा कंजम्पशन एमपीएस एमपीसी जो है वो कम हो रहा है, गोया खर्च करने की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी या उसका मुख्तिम रुझान है वो कम हो रहा है, जबकि हमारा सेविंग करने की जो रुझान है वो जो है वो निस्तन बढ़ता चला जा रहा है। जी फ्रेंड्स, उन्हीं जो है वैल्यूज की मदद से हमने ये एक ग्राफ जो है वो सेट किया है। यहाँ एक्स एक्सिस पर हम इनकम मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम जो है वो सेविंग को मेजर कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये खत जो है वो एक पॉजिटिवली स्लोप सेविंग का फंक्शन है। ये एस एस कर्व, एस एस प्राइम कर्व, ये सेविंग फंक्शन है। और इसमें आप ये देखिए कि यहाँ 2000 पर लेवल ऑफ इनकम क्या है, हमारी जो सेविंग है वो माइनस है, और 3000 पर भी इनकम जो है वो माइनस है। यहाँ ये 2400 है, यहाँ पर ये है 3300 है, लेकिन y पर आकर हमारी सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये देखिए ये जीरो की लाइन है, यहाँ जीरो हो जाती है। आप कंजप्शन हम सेविंग का ये जो हमारा एक्सेस है ये आप देख रहे हैं कि हमने जीरो से भी नीचे जो है वो वैल्यूज ली है, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी ली है, क्योंकि हमारे पास सेविंग की कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी थी, जैसे कि -400 -300, इस तरह हमने ये जो है वो वैल्यूज यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी ली है। और ये जो है वो जीरो की लाइन है जिस पर हमारी सेविंग जो है वो आकर जीरो हो रही है। अब आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि सेविंग का कर्व ये आपको इसके तीन पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। नुक्ता पॉइंट जो है वो ई, पॉइंट ई पर हमारी जो है वो सेविंग जीरो है, 4000 लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इस पर हमारी सेविंग जीरो है, जितना ही हमारी कंजम्पशन है इतनी ही हमारी जो है वो इनकम जितनी है इतनी ही हमारी कंजम्पशन भी है और सेविंग जीरो है। इससे पहले जो सेविंग का कर्व है वो क्या, वो जीरो की लाइन से नीचे वाक्य है, गोया हमारी सेविंग यहाँ नेगेटिव है, जितनी हमारी इनकम है वो हमारी कंजम्पशन के लिए ना काफी है, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, हमें कुछ डिस सेविंग करनी पड़ रही है, पुरानी बचतों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए ये खत जीरो की लाइन से भी नीचे है। फिर 4000 के बाद जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती चली जा रही है हमारा सेविंग का कर्व जो है वो जीरो की लाइन से ना सिर्फ ऊपर है बल्कि पॉजिटिव स्लोप भी रखता है, यानी कि दोनों एक्सिस के दरमियान में से गुजर रहा है, पॉजिटिव जो है वो स्लोप रखता है, ये खत नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो अब आप इसमें देखिए ये खत जो है वो पॉजिटिव सेविंग पॉजिटिव है, जिसका मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है हमारा जो जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है ऐसे ऐसे हमारी सेविंग भी जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती हुई इनकम एक नेशन की जो है वो सेव करने की पावर को भी ज्यादा कर देती है। सेविंग का कर्व जो है वो मुसलसल एक पॉजिटिवली स्लोप जो है वो खत है जो कि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप को जाहिर करता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सेविंग का फंक्शन था, उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा।